की मुलाकात कराने जा रहा हूं। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग हिरा तरीन एंड अनुषा वासी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हिरा, ईद मुबारक अनुषा। प्लीज हैव अ सीट। अरे, looking lovely both of you, I must say. Thank you. Nice yin yang happening, white. बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। आप खैर भी, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप लोग? खैरियत से? ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजर रही है। हाँ, पहला दिन क्या रूटीन चलती है आपकी यूजुअली? पहले दिन की रूटीन तो थोड़ी सी ऑफिशियली ईद वाली होती है, जिसमें यू नो लाइक थोड़ा सा जल्दी। ऑफिशियल ईद वाली और अनऑफिशियल ईद वाली? अनऑफिशियल वाली थर्ड डे वाली होती है, जो अभी हो रहा है ना, वो थोड़ा सा हम अपीयरेंसेस और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन पहले दिन जो होता है ना, वो फैमिली के साथ सुबह को जल्दी उठना और वो सारी चीजें करना। यू नो, अली जो है, ही गोस फॉर हिज प्रेयर्स, फिर वो वापस आते हैं, सो समथिंग हैज टू बी रेडी फॉर हिम। तो पहले तो मैं सोती रहती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब तो माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं, तो नाउ आई एम इनटू द ज़ोन, मुझे क्या करना है। अनुषा, आपकी क्या चांद रात पे क्या करती हैं आप, पहले ये बताएं। चांद रात पे ज्यादातर एक्साइटमेंट ये होती है कि जो छोटे हैं घर में, मुझसे भी छोटे, उनकी बेसिकली ईद होती है, क्योंकि शॉपिंग जाना, उनकी मेहंदी लगवाना, तो मेरा चांद रात थोड़ा हेक्टिक होता है। अच्छा। हाँ, सिर्फ इसलिए cuz like I'm running around and doing things for my sister, brother, उनके बच्चे। आप वो ऑफिशियली सबको ले जाके मेहंदी लगवाना, चूड़ियां दिलाना, वो सारे काम कर रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्वेलरी रह गई अगर किसी की लास्ट मैचिंग ज्वेलरी आउटफिट के साथ। हाँ। किसी का जूता रह गया, ये भी होता है ना भाई कि किसी का एक कोई चीज रह गई आउटफिट में, हमेशा रह जाते हैं जूते। क्यों रह जाते हैं? इसकी क्या वजह होती है? मैंने भी नोटिस किया कि जूते ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपने आउटफिट का नहीं पता होता तो आप जूते कैसे लेंगे। दैट्स ट्रू, राइट। और आपको दर्जियों का भी नहीं पता होता, आपको दर्जियों का भी नहीं पता होता टाइम पे आपका जोड़ा सिल के देंगे या नहीं देंगे। हां, इफ यू आर गेटिंग योर ड्रेस फ्रॉम अ दर्जी, या बट आजकल तो हम इतना नहीं एफर्ट करते, हम बस कुछ भी उठा लेते हैं। बिल्कुल, या फिर कोई ना कोई डिजाइनर भेज देते हैं कपड़े फॉर ईद के पोस्ट करना है तो। अच्छा, एक बात बताएं, अभी आई वुड अज्यूम कि एक्टर्स हैव इट अ बिट मोर डिफिकल्ट, बिकॉज़ आपका काम तो रमजान में भी चलता ही रहता है, बहुत सारे एक्टर्स बिजी भी होते हैं रमजान में भी, और फिर ऑब्वियसली एक वो भी होता है कि ईद शोज होते हैं, वहाँ पे भी आपकी अपीयरेंसेस होती हैं, तो वो एक होता ना कि यार कुछ नहीं कर रहे ईद पे, घर पे बस बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं या नींद पूरी कर रहे हैं या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही ईद गुजार रहे हैं, ऐसा मौका आपको मिलता है या कम ही ऐसा होता है? आई थिंक जब तक ईद आ जाती है तो लाइक आई सेड थर्ड डे थोड़ा सा इस तरह का हो सकता है। थर्ड डे इज एक्चुअली लाइक योर फर्स्ट डे। हां, लेकिन फर्स्ट डे लाइक आई सेड फॉर मी आई कीप इट ऑफिशियल, लाइक ऑल फैमिली और सिर्फ इस तरह की चीजें जो प्रॉपर ईद वाली होती हैं वो पहले दिन पे हम लोग करते हैं। एंड यू अनुषा? So now, are you busy in Ramzan with work and everything, or do you like to take a break? Yeah, I like to take breaks, lekin wohi baat hai ki pura Ramzan break nahi mil pata, kahin kahin छोटे छोटे ब्रेक्स मिल जाते हैं जो कि हमेशा अच्छे ही होते हैं, बट जो लास्ट तो ईद से कोई इतनी सेलिब्रेशन हमारे यहाँ नहीं होती, बिकॉज मम पास्ड अवे 2 years ago, सो लाइक 2 साल हमने जी नहीं की ईद, लेकिन थर्ड डे सेकंड डे बहन के घर, भाई के घर सलाम करने, मामू के घर डिनर होता है तो उसमें सब फैमिली से मिल लेते हैं, तो ईद फन होती है। यार, मामूज बड़े क्रूशियल हैं मेरे भी, क्योंकि हमारा जो एक ईद का डिनर होता है, मेरे भी माशाल्लाह मामू के घर पे होता है वो एक बड़ा डिनर, और फिर मैं तो मामू से ईदी भी ले लेता हूँ अभी। अच्छा। मैं कहता हूँ बड़े वाले नोट जो दो है ना वो दे दें बस। आप लोग लेते हैं ईदी अभी? डू यू गाइस इंसिस्ट अपने बड़ों से? कोई देता ही नहीं है अब हमें, नहीं देते। हाँ, उल्टा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ईदी का। बड़े बुजुर्गों से तो ले ही लेते हैं ना वो। मैं तो कह रही हूँ मेरी फैमिली में बड़े भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको। अच्छा। थोड़ा सा वो देयर प्लेफुल लाइक दैट, यू नो, कि हमारी ईदी का है, मतलब हमें तो देने का सवाल ही नहीं है अब। हम छोटों को, अपने कजन्स को, सबको देते हैं, जो बड़े बड़े कजन्स भी हैं उनको भी देते हैं। उनको भी आपको देने पड़ते हैं? अरे यार, आपका क्या सीन है, ईदी आपको मिलती है कहीं से? ईदी मिलती है शमून भाई से, मिलती है जुबैया बाजी से, मिलती है। अच्छा, उनसे अभी तक मिलती है? हाँ, उनके फिर आपको आगे ट्रांसफर करनी होती होगी। हाँ बिल्कुल, उनके स्पाउसेस जो उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ, मतलब उनसे मिलती है,
और फिर कभी ये इंसिस्ट नहीं किया कि इतने चाहिए या उतने चाहिए, बस जितने भी होते हैं उसमें हम। अरे कितनी कितनी सादतमंद है माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपका नफा ज्यादा होता है नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि ईदी आ रही है और जा रही है। आ रही है ना, बिल्कुल। तो जो आ रही है वही जा रही है या पल्ले से भी जा रही होती है? पल्ले से भी जा रही है और जो आ रही है वो भी जा रही है, क्योंकि छोटे ज्यादा होते हैं और अब एहसास होता है बड़े होके कि ईद एक्चुअली तो यू नो छोटों की होती है, तो जो भी हमारी ईदी जमा होती है वो आगे चली जाती है। ठीक है, अब विद योर परमिशन हमारे दो और गेस्ट हैं जिनको मैं आपकी इजाजत से बुलाना चाहूंगा। okay. और वो दो गेस्ट बड़े जबरदस्त शख्सियतें हैं, दोनों ही दोनों चौधरी हैं। सबसे बड़ा जो एक मजे की बात है, मैं भी चौधरी हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो बड़ा जबरदस्त रंग जमने वाला है। बट आई हैव टू से दिस, एज फार एज सैटायर इज कंसर्नड एंड सैटायर इन पाकिस्तान इज कंसर्नड या मिमिक्री इज कंसर्नड, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट है, एंड नोबडी डज सैटायर लाइक दे डू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मुर्तजा एंड मुस्तफा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हेलो, मुबारक, ईद मुबारक आप सबको, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमें ये सबक देता है कि हमने बिल्कुल हर लिहाज से ठीक रहना है, सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना। तो आज जैसे ईद है बिल्कुल, और शीर कोरमा खाया था आपने आज, शीर कोरमा खाया था आज आपने ना, शीर कोरमा। और बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। हाँ बहुत, थैंक यू। हाँ जितनी आप, एक होता है ना गर्म जोशी, ठंडी ठंडी जोशी से आप मिले, मुझे एहसास हुआ कि अब 3-4 घंटे पीछे आप लोगों की हो गई है सारी बातें। रिपीट पे आप, रिपीट पे आ चुके थे हम। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से ऑन कैमरा आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क। मैं हमेशा जब से आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, मैं छोटा था तब, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी आई हैव बीन एंजॉयिंग योर वर्क। आपकी एजिंग सबसे अलग हुई है, मेरी अलग, आप हमसे भी बड़े हो गए। मैं इतना आपके काम को एंजॉय करता हूं और इतना जबरदस्त आपका विट है और ह्यूमर, आई रियली हैव टू से आई एडमायर योर वर्क एंड इट्स सच एन ऑनर फॉर मी कि आज आप मेरे शो पे आए हैं। थैंक यू। आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं इन दोनों का काम? यस ऑफ कोर्स। आपको अंदाजा है कि कितनी खतरनाक किस्म की ये चैलेंजेस से गुजरे? ये मुझे नहीं अंदाजा, बहुत 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 इनके हमने तो काफी साथ भी काम किया है, बल्कि इनकी वजह से काफी लोग चैलेंजेस से गुजरे हैं। ये बात तो तय है। हमारे पास शफात भी आए थे। अच्छा। ईद के दूसरे रोज उनसे भी मुलाकात और गप लगी और वो बताए थे, मैंने कहा यार क्या आपको सबसे मुश्किल चीज क्या? उन्होंने कहा ये कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, घर तक पहुंचाने की भी बात हुई। और आपको भी आई हैव टू आई मीन आस्क के सबसे खतरनाक मैसेज या थ्रेटनिंग कॉल किसकी तरफ से आई? हमारी तरफ से गई है वो। आपकी तरफ से? ऐसा बहुत दफा हुआ और शुरू में तो आई रिमेम्बर जिस किस्म की हमने हरकतें की हैं, दोबारा कोर्ट हरकतें क्या मतलब मतलब हरकतें मतलब जिस तरह के शो किए उस वक्त डर नहीं लगता था, कुछ ऐसे वर्ड नहीं ये बोलते, मुझे लगता है बुरा काम कर रहे थे। बाय द टाइम एक दो दफा कुछ लोगों ने फॉलो किया तो पहले तो बड़ा नॉर्मल लगता था, फिर एक दो दफा ऐसा लगा कि ये बड़ी खतरनाक चीज, और वो ऐसे लोग थे कि शुक्र है कि फॉलो ही किया सर। तो बकायदा डर लगा कभी आप लोगों को? बकायदा डर लगा सर, बकायदा प्रिटेंड ऐसा किया कि नहीं डरे, लेकिन अंदर से तो भाई बहुत डरते हैं असल में। मैं तो फिर भी जब इसने मुझे बताया तो मैं इतना डर गया, यहां से कॉल करके आया। तो लेकिन बात ये कि जिनसे डरना चाहिए उनसे थोड़े कम डरे हम, बाकी जो हमारे और लोग हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले उनसे थोड़ा ज्यादा डर लगता है, ज्यादा सेंसिटिव लोग। अच्छा रमजान का जो सबसे बड़ा एक मैसेज है वो है टॉलरेंस का या सबर का, पेशेंस का, वही इफ्तार से पहले बहुत लड़ रहे होते हैं। बट आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब हमारे कौम में से सबर कम होता जा रहा है, कम हो गया है, या पहले भी बेसब्रे थे, एंड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू गाइस हैव बीन क्रिएटिंग उस लिहाज से भी अब टॉलरेंस और मजीद कम? बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं वही कह रहा हूँ कि जिस किस्म के हमने शोज किए हैं और वो यूट्यूब पे भी हैं, पहले तो निकल जाते थे, निकल जाते थे, और अब ऐसी बात है कि आज कोई भी इस तरह की बात करने से डबल डर लगता है, उसमें चाहे आप लिबरल साइड को देख लें वो भी उतनी एक्सट्रीम पे है, या हमारी जो दूसरी साइड है जिससे डरते ही हैं वो भी उसी एक्सट्रीम पे है, तो आज के दिन कोई भी बात करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और स्पेशली डिजिटल मीडियम इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो आपकी वो बात कोट करेंगे, एक गलत जगह से काटेंगे और उसको प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाएंगे, तो अब खतरनाक बहुत हो गया, इस वजह से हमने कम करना शुरू कर दिया हरकतें। अच्छा वैसे ओवरऑल बिहेवियर भी आप कौम का देखे ना, बड़ा फर्क हो गया। अब बाइक चलाने के बैठ के चलाने के लिए लेट के चला रहे हैं। और एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि मैं शरफ फैसल जहाँ से शुरू होती है
वहां से मैं लेट जाता हूँ। कहीं बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि सो गए हो, वो किसी करवट पे आंख खुली हो? हाथ से घर भी लेटे लेटे पहुंच, हाथ से गेर लगा रहे हैं, पैरों का इस्तेमाल ही नहीं है सर, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल खत्म हो गया हमारे लोगों से, आपने देख ही लिया। अच्छा, ईद पे जो गेट टुगेदर्स लंचेस और डिनर्स होते हैं, आपके घरों में किस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं? क्योंकि यूजुअली गालियां इधर उधर एक दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ऐसे हो रहा होता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे घर जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी डिस्कशन शुरू होती है, भाई कि फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो आप लोगों के यहाँ किस तरह का माहौल होता है? आपस में ही डिस्कशन हो रही थी यार कपड़े बड़े अच्छे हैं या क्या, मतलब खानों के ऊपर बात हो रही होती है? हाँ, मतलब पॉलिटिक्स पे यूजुअली डिस्कशन हो रही होती है, बट ऑन ईद थोड़ी अलग तरह की बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। इवेंचुअली वो पॉलिटिक्स नॉन पॉलिटिकल बातें होती हैं आपकी? बिल्कुल। आपका हाँ क्या सीन होता है? शुरू थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव? हां, ईद है आज, थोड़ा सा एक दूसरे से प्यार की बातें करते, अच्छी लग रही हो, कौन सा शो पे आ रही हो, कोई है ईद का शो, कोई रिकॉर्डिंग हुई है तुम्हारी? तो हाँ, नहीं इस दफा नहीं किया। फिर इवेंचुअली फिर पॉलिटिक्स पे, फिर वो टीवी चलता है, फिर एक दो या तो खाने के बाद, मैंने देखा कि खाने के बाद जो टाइम है ना वो पॉलिटिक्स सियासत की, देखें सियासत शुरू ही खाने के बाद होती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बाहर हो घरों में। अच्छा, तो आपके साथ क्या होता है, आप लोग जब ईद की कोई दावतें होती हैं? ये बड़ा उल्टा हो गया है, हम लोग ना पता नहीं हर बात हमसे सियासी ही करते हैं, वो खाने से पहले भी है तो खाने की बात है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, और आके अब तो बीच में थोड़ा ये होता था कि समझाने की कोशिश करते थे, जो अपना थोड़ा बहुत इसके बारे में सेंस है वो बताने की कोशिश करते थे, बट फिर एक ऐसा दौर आया 2018 के बाद कि लोगों ने समझना छोड़ दिया, और अब हम भी उनके साथ मिल जाते हैं, और लोगों को हमसे जो परेशानी है या शिकायत है, स्पेशली रिश्तेदार या जो ओवरसीज मोस्टली, कि आप हमारे लीडर के बारे में बहुत इस तरह की बातें बोलते हैं और उसके खिलाफ हैं somehow। अच्छा, आप लोग टीवी बड़ा मुख्तलिफ नौयत का कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हैं, जो कि टेलीविज़न की अगर देखा जाए नज़रिए से तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होता, ना होने के बराबर। राइट। आप लोग ऑफ कोर्स टिपिकली ट्रेडिशनल एक जो ड्रामा ऑडियंस है हमारी उनके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आई एम श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड कि ड्रामा की बहुत वसी ऑडियंस है। हाउ हैप्पी आर यू विद द काइंड ऑफ ड्रामास एंड द कंटेंट दैट इज बीइंग मेड ऑन टेलीविज़न? आर यू हैप्पी? वेरी। I am. It looks like it. Bhai, she would be very happy. Inka drama to blockbuster hit hai, mashallah. Ishq Murshid trend bhi kar raha hai. Ratings ke aitbaar se bhi it's one of the biggest hits in recent. Aur hairat ho rahi hai ki aaj aap drama ki tareef kar rahe hain. Dekhiye mujhe kaise, you know, wo karwani padi. Maine sirf ye facts bayan kiye, wo hai to sahi sabse popular. Jaise hum shastadan ko humse nafrat hai, drama walon ko aapse badi nafrat hai. Bade bade log pyar bhi karte hain. But on a serious note, I am pretty happy because dekhiye har drama to acha ho hi nahi sakta na, na har film अच्छी हो सकती है, कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, नॉट एवरी फिल्म इज गुड, नॉट एवरी टेलीविजन प्रोजेक्ट। मैं तो खुश हूँ कि काम इधर हो रहा है और कोई अजीब से बैंस और सेंसरशिप यू नो का सामना हमें नहीं करना पड़ा, सो आई एम हैप्पी दैट ग्लास इज हाफ फुल। इट्स हाफ फुल, यह फॉर श्योर ग्लास इज इनका हाफ ग्लास, इट हैज टू बी, अदरवाइज मैं पाकिस्तान में सर्वाइव ही नहीं कर सकती अगर मैं उस तरह से सोचना शुरू हो जाऊँ। Then I think I'm just going to be putting myself through a lot. और चीजें तो बदलेंगी नहीं, you know. So I think one has to look at things in a positive way. कि अच्छी चीजें क्या हो रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा focus करें। How are you enjoying the success of इश्क मुर्शिद? चलें ये तो बताएं जरा थोड़ा सा। यार हसन, honestly मुझे not trying to be humble, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना कुछ उसके अंदर किया, but you know I of course I am enjoying the success because वो collectively बहुत सारे लोगों ने उसकी जो असल heavy lifting है, चाहे वो title song हो या you know फारूक रिन साहब दादा and बिलाल and दुरे, you know they had majority of the work and we had a phenomenal cast, तो उसके अंदर मेरा भी I'm you know very grateful to Allah Mia that my character also kind of you know was very at the end it was impactful, so I'm very happy about that. Halanki mera kaam itna zyada nahi tha isme, lekin wo jab samne aaya to I'm just happy that people are noticing and I'm getting a lot of traction. Aapke character ko leke to badi theories bhi chal rahi hai ki pata nahi kya hoga aur kya. Yes, 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 bahut sari memes ban rahi hain aur yeah. Anusha, how happy are you with the kind of roles that you're getting? Satisfied hain aap? Good question, next question. Good question, next question. खवातीनों ज़ाद, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे अनुषा से सवाल का जवाब लें। Don't go anywhere, we'll be right back after a very short break.